राधे राधे, गुड मॉर्निंग। श्री हरिदास, कैसे हैं आप लोग? भाई सुबह का समय है, मैं नहा के आई हूँ अभी, और वरदान देखो अभी अभी सो के उठा है। दिखा दूँ? दिखा दूँ। देखो ये ला वरदान। अब राधे राधे तो बोल दो। हाँ निन्ना आ रही है वरदान को अभी। तो परी भी अभी सोई हुई है और मैं और विनोद करने वाले हैं पूजा, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर देते हैं शुरू। इसको तो बहुत निन्ना आ रही है भैया, अभी बहुत निन्ना आ रही है ना, बहुत निन्ना आ रही है इसको तो, बहुत निन्ना आ रही है ये तो। मम्मा से बहुत ज़्यादा पार करवाएगा और उसके बाद में फिर काकड़ेगा, डुड्डू पिएगा, पहले अभी जाएगा ब्रश करने के लिए, है ना, वॉशरूम में जाएगा और उसके बाद काकड़ेगा, डुड्डू पिएगा। तो चलो भाई चलो, वरदान को जाने देते हैं वॉशरूम में और परी को भी उठा देते हैं और हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं मिलवाऊंगी वहीं पे आपको, विनोद से भी और सरकार से भी, लज्जू सरकार से भी। भाई बहुत प्यार करते हैं लोग लड्डू को, उसके लिए बार बार बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू, रियली बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। अपने प्यार को इसी तरीके से बनाए रखना हमारे ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की ही ब्लेसिंग्स तो सब कुछ हो पा रहा है, और आगे भी अपनी दुआएं आप लोग ऐसे ही हम लोगों के को देते रहना भाई। तो मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पूजा पाठ खाना पीना सब का टाइम अभी सेट नहीं हो पाया है यहाँ आके, क्योंकि नया घर है और चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे व्यवस्थित करना, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करनी है, हर काम में तो टाइम लगता है, हर चीज़ में अगर देखा जाए तो, उसकी वजह से खाना वाना सब डिस्टर्ब हो रखा है अभी। तो धीरे धीरे देखो टाइम लगेगा और उसके बाद में ना सब अपना प्रॉपर जो वो शेड्यूल होता है एक नॉर्मल वही हो जाएगा। तो लंच करने के बाद में ना हम लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हो रही है शाम, तो मैं जा रही हूँ परिवर्तन का दूध बनाने के लिए, अपने लिए बनाऊँगी चाय दोनों के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्क में। आजकल हमें ना बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, सुबह कब हो जाती है और एकदम से सारा दिन निकल जाता है, रात कब हो गई पता ही नहीं चलता है सच्ची में। तो मैंने क्या किया कि अभी ना डिनर वगैरह बना के रख दिया है, तो अभी बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा अभी दूध पिया है, कुछ खा भी लिया था साथ में, तो इनका मन नहीं था अभी खाना खाने का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, पहले पार्क में खेल लो तुम लोग जाके, हम मैं और डैडा भी जाके वॉक कर लेते हैं और उसके बाद में फिर खाना खा लेना आके। तो क्योंकि अभी फिर घर पे आएंगे ये लोग, तो इसके बाद में ये थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, फ्रेश होने के बाद में ना एक घंटा इनको पढ़ने के लिए बैठाऊंगी, क्योंकि डे टाइम में इन्होंने पढ़ाई कम की है आज। पर इन्हें तो खैर क्राफ्ट वगैरह का ही काम किया था आज बस, तो मैंने कहा चलो इनको इन्जॉय करने देते हैं अभी। और लड्डू का भी देखो अब यहाँ पे धीरे धीरे वही शेड्यूल होता जा रहा है कि हम लोग नीचे पार्क में आते हैं तो लड्डू भी आते हैं, लड्डू भी बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पे आके, और एकदम से ना उनका जो फेस है एकदम से बहुत ज़्यादा चार्मिंग फेस है, तो बहुत ही खुश रहते हैं वो यहाँ पे। पता है मेरे अभी अगर आपको मैं घर में दिखाऊंगी ना तो बिल्कुल भी सटल नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इतना सामान है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, कपड़ों तक की अलमारी सेट नहीं हो पा रही है। अभी दो चार जोड़े जो हम लोगों के ऊपर ही पड़े हुए हैं ना, तो वही नाइट सूट जो वो पहन लेते हैं और उसके बाद में डे में भी वॉश करके वही वाले पहन रहे हैं अभी। तो मशीन भी अभी लगाई नहीं है कपड़े वॉश करने के लिए, सारे कपड़े सिर्फ हम अभी इकट्ठे करते जा रहे हैं कि मैं फिर किसी दिन बिल्कुल फुर्सत हो जाएगी तब उसके बाद में फिर वॉशिंग का काम फैलाऊँगी, कपड़े सब धोंगी। तो इसी तरीके से बेडशीट हो गई या वेयरिंग वाले कपड़े हो गए सारे इकट्ठे करती जा रही हूँ, तीन चार दिन लगेंगे कोई बात नहीं है, पहले सेटिंग हो जाएगी, कपड़े तो बाद में भी धुल जाएंगे, फटाफट वॉश हो जाएंगे और तीन चार पाँच घंटे जो भी लगेंगे और ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। बट सामान को सेट करना सबसे बड़ी सरदर्दी होती है, सबसे ज़्यादा मतलब एक काम मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो ये है केवल कि भाई जो सामान हम जहाँ पे रख रहे हैं ना हमको वो ध्यान भी रहना चाहिए कि हाँ हमने कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, अदरवाइज़ कोई सामान कहीं पे भी आप रख दो फिर आपको याद नहीं आएगा टाइम पे, तो फिर अपने ऊपर ही खुंदक आएगी और सारा फैलेगा और दोबारा से कि यार देखो हमने कैसे मतलब एक मिसमैनेजमेंट सा हो गया हमारा घर के अंदर। तो इसलिए फिर इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है सेटिंग में, कि हर चीज़ वेल सेटल्ड होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए प्रॉपर कि हमने घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करी हुई है। एक्चुअली शुरू में ही प्रॉब्लम होती है थोड़ा सेटलमेंट में, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। और अभी क्या बच्चों के स्कूल रीओपन होने वाले हैं 10 डेज़ के बाद में, तो हमें लग रहा है कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 10 डेज़ का टाइम है, तो इसमें हम मैक्सिमम जितना काम अपना ख़त्म करना चाहेंगे उतना हमारा हो जाएगा। तो
तो भाई चलो हमारी वॉक भी हो गई है ख़त्म, और बच्चों ने भी कह दिया है कि चलो हम अम्मा डाडा चलो ऊपर चलते हैं अभी, तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर जाके करेंगे डिनर। व्लॉग को करते हैं एंड, पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।